मैंने पूरे देश में एक मुहिम चला रखी है और उस मुहिम को मैं अपने गुरुकुल से ही चलाता हूँ। एक गूगल मीट चलाता हूँ, गुरुकुल से इसे चलाता हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी ने काम को आसान कर दिया है, हम लोग एक गूगल मीट चलाते हैं। गूगल मीट, इस गूगल मीट में पूरी दुनिया से ग्लोबली सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, 500-500 लोग जुड़ जाते हैं इस गूगल मीट में। और ये गूगल मीट शाम को 7:50 पर शुरू होती है और 7:50 पर शुरू होकर ये लगभग 9 तक चलती है। प्रतिदिन हम इस गूगल मीट को चलाते हैं और इसके माध्यम से हमने इस देश के 17 राज्यों में पहुंच बनाई है और उन 17 राज्यों में हम इस शिक्षा प्रस्ताव को साझा कर चुके हैं। इसके अलावा देश के बाहर लगभग 11 देशों में हम इस एजुकेशन पॉलिसी को बाहर के लोगों से साझा कर चुके हैं और लोग हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बोलो, अगर इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए लड़ा जाए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? बोलो, दोगे कि नहीं? मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ आकर दिल्ली लाठी खाने की जरूरत है, ये नहीं कहता हूँ कि कहीं आंदोलन होगा तो वहां पुलिस से पिटने की जरूरत है, तुम अपने घर में रहना। लड़ूंगा मैं, तुम अपने घर में रहना। बस इतना तुमसे आश्वासन चाहता हूँ, बस इतना तुमसे विश्वास चाहता हूँ कि तुम जहां रहो, अपनी दुकान पर, नुक्कड़ पर, चाय के ठेले पर, किसी नाई की दुकान पर, किसी चौराहे पर, किसी तिराहे पर, किसी के घर में, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी चिकित्सालय में, आप जहां रहो वहां खड़े होकर ये कहना कि ये जो लड़ाई चल रही है, मैं इस लड़ाई का घटक हूं, इसका हिस्सेदार हूं, इसका समर्थन करता हूं। अगर इतना कर दोगे तो मैं इस मुहिम को सफल बना लूंगा। बोलो, कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो कि नहीं? तो आओ मिलकर लड़ाई लड़ें, बचाएं इस देश को। यदि आपने नहीं बचाया मित्रों, बंधुओं, तो निश्चय पूर्वक कहता हूं वो दिन दूर नहीं जब इस देश का दोबारा विभाजन होगा, जब ये देश दोबारा टूटेगा और फिर से इस देश के टुकड़े टुकड़े बनेंगे। आओ मिलकर अपनी मातृभूमि को बचाएं, इसलिए बचाएं कि ये मेरी मातृभूमि है, मेरी पितृभूमि है, मेरी पैतृक भूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, मेरी पुण्यभूमि है। ये जमीन कोई आम जमीन नहीं, मेरी मां की जमीन है, मेरे बाप की जमीन है, ये मेरी दादालाई प्रॉपर्टी है, ये मेरे बाप दादा की है, मैं इसे मरने नहीं दे सकता। ये हो सकता है कि कोई मेरा साथ न दे, साथ नहीं देगा तो क्या हुआ, इस देश के लिए मरेंगे, साथ नहीं देगा कोई तो क्या हुआ, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इस मिट्टी में मिलना भी मेरे लिए गौरव होगा। हजारों साल के जीवन पर धिक्कार है और 5 की मृत्यु के लिए मैं स्वाभिमान महसूस करूंगा कि मैं अपनी देश, अपनी मिट्टी के लिए मरा, मैं अपनी माँ के संकल्प के लिए मरा, मैं अपने पूर्वजों के संकल्प के लिए मरा। लेकिन क्या ये मेरा देश है, तुम्हारा नहीं है? बोलो, सबका है कि नहीं है? तो आओ मिलकर इस राष्ट्र की रक्षा करें। बहुत धैर्य से सुना, बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।